हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हेमू में। तो आज फिर बुश एंड्रॉयड एलईडी टीवी के ऊपर वीडियो, बहुत सारे प्रॉब्लम आए, बहुत सारा सपोर्ट किया आपने, प्यार दिया उस वीडियो पे। 1 लाख कंप्लीट होने वाले हैं उस पर व्यू, तो थैंक यू सो मच। एंड एक बार फिर बहुत सारी प्रॉब्लमें देखने को मिली थी बीच में कि कनेक्ट नहीं हो रही है, इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर रहा है, सेटिंग में कैसे जाके क्या करें। देखिए, कनेक्टिंग की तो मैंने बता दी, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि टीवी में देखिए कैसे इसको अपडेट करें, और कनेक्ट नहीं हो पा रही तो दूसरे बे से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा इसका रिमोट, अभी इसको ऑन करते हैं, देन उसके बाद मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। कनेक्ट नहीं हो पा रही तो दूसरा बे कौन सा है आपका कनेक्ट करने का, ठीक है, कौन से वायर्ड आपको ज़रूरत पड़ेगी फिर कनेक्ट करने के लिए अपने फ़ोन के लिए, कौन सी केबल, किक, बाकी सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं इस एलईडी टीवी के ऊपर पूरा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बट देखिए, सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए। और गाइस, ये इसका रिमोट है, एंड्रॉयड एलईडी टीवी है, स्मार्ट एलईडी टीवी है विथ इंटरनेट, नेटफ्लिक्स, एवरीथिंग। तो ये रही गाइस बुश एंड्रॉयड एलईडी स्मार्ट टीवी, ये इसका रिमोट है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल। ये रही बुश 60 इयर्स ऑफ ट्रस्ट, ये बुश एलईडी टीवी है, इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि दूसरा बे कौन सा जिससे कि आप फ़ोन और इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं अगर फ़ोन से नहीं हो रहा है, और मिरर कास्ट आपका कैसे वर्क करता है वो भी आपको बताने वाला हूँ, कि डायरेक्ट फ़ोन से आप अपने फ़ोटो वगैरह कैसे शेयर कर सकते हैं, एवरीथिंग। तो हर चीज़ पर आज हम फिर से बात करने वाले हैं। और दूसरा बे कौन सा है, फ़ोन और दूसरी जो आपकी टीवी है उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, सीरियसली गाइस, बिलीव मी। लेकिन उसके लिए आपको वायर्ड की ज़रूरत पड़ती है, केबल आती है। देखिए फिलहाल तो इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इसमें गाइस आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे ATV, है ना, AV1, AV2, HDMI, HDMI 2। अब देखिए AV1 जो है आपका, है ना, ये AV1 जो है आपके, ये होते हैं आपके वायर्ड केबल होती है, दोनों वायर्ड केबल हैं, AV1 AV2 वायर्ड केबल हैं, जिससे आपकी डिश वगैरह कनेक्ट रहती है। तो आपके जो AV1 है ना गाइस, इससे आपके जो दो AV2 AV1 है, ये होती है वायर्ड केबल, जिससे आपकी डिसकनेक्ट रहती है AV1 से, और AV2 रह गई उससे आप फिर सेम केबल आप अपनी यूज़ करके, ठीक है ना, आप दूसरी टीवी कनेक्ट कर सकते हैं इससे, है ना। और अब बात करते हैं हम HDMI की। HDMI एक वायर्ड होता है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन को, अपने लैपटॉप को HDMI 2। सेम ATV जो होता है गाइज, वो फ़ोन के लिए काम करता है। अब देखिए इसमें आपको ऐप्स दिख रहे हैं, ऐप स्टोर दिख रहा है, मीडिया दिख रही है, नेटवर्क दिख रहे हैं, सेटिंग है ना, यूट्यूब का फंक्शन, TV असिस्टेंट। तो कहीं नहीं जाएंगे, अभी हम रिमोट से चलते हैं गाइज सेटिंग के पास, है ना। इसमें जो सेटिंग है, देखिए मिरर कास्ट का ऑप्शन है आज, चलिए पहले मिरर कास्ट की बात कर लें गाइज, आपको थोड़ा मिरर कास्ट के बारे में, ओपन करते हैं मिरर कास्ट, है ना, ओके का क्लिक करके। देखिए ये एक सिस्टम होता है आपके वायर्ड का, मिरर कास्ट जो होता है आपका वाईफाई का वेटिंग कर रहा है, मतलब आपका हॉटस्पॉट खुला रहना चाहिए। और मिरर कास्ट का एक ऐप आता है, उसको डाउनलोड कीजिए, या आपके फ़ोन में डायरेक्ट दिया रहता है, जैसे कि मेरे फ़ोन में डायरेक्ट दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारे, अभी देखिए सर्च कर रहा है ये, है ना, कोई मिरर कास्ट ओपन होगा फ़ोन का, ठीक है, तो आ जाएगा उसमें नाम, उसका नाम इसमें आ जाएगा और इसका नाम उसमें, क्योंकि इसका नाम जो है एंड्रॉयड दिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मिरर कास्ट हम बाहर निकलते हैं, एग्जिट करते हैं यहाँ से, ठीक है, रिमोट से एग्जिट करेंगे, ये जो एग्जिट का बटन होता है, देखिए बाहर आ गए। अब चलिए हम नेटवर्क पे, देखिए डायरेक्ट कहीं ना जाके आप नेटवर्क पे आइए, है ना, सेम यहाँ पे भी है। तो हम अभी सबसे पहले नेटवर्क पे क्लिक करते हैं, ये नेटवर्क पे गए, यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन, है ना, लैपटॉप वगैरह को, इंटरनेट चला सकते हैं इसमें कनेक्ट करके, फिर नेटफ्लिक्स वगैरह सब चला सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये है नेट मोड, नेट मोड ऑन करके दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको, ठीक है। उसके बाद आपका वायरलेस है, अभी डिसकनेक्ट है, और VLAN, ये हॉटस्पॉट यहाँ से ऑन होता है। दूसरा वे है टीवी को कनेक्ट करने का, आप यहाँ पे हॉटस्पॉट को कनेक्ट करके अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लीजिए। और फर्स्ट वे आप अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेस लिखा हुआ है इसमें, ओके करके, ठीक है। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, सेटिंग में जाएंगे, अगर नहीं हो पाता वैसे नेटवर्क आ गया, कॉमन सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये है एंड्रॉयड वर्जन पूरा लिखा हुआ है, और सिस्टम अपग्रेड, ये है सिस्टम अपग्रेड, यहाँ पे जाएंगे पहले सिस्टम को अपडेट करेंगे, नया वर्जन जो भी आता है, देन उसके बाद आपको क्या करना है,
यहाँ से आप इसको अपडेट कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपको जाना है फिर से एग्जिट में, फिर आपको नेटवर्क में जाना है, फिर यहाँ से आपका नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा दोबारा से। और अगर फिर भी नहीं होता है, फिर भी आप अपना इंटरनेट नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तो एक सेटिंग यहाँ पे दी रहती है, मॉडम की सेटिंग भी है इसमें, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, इस साइड पे नहीं है, दूसरी साइड पे दी हुई है मॉडम की सेटिंग, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। ये एक मिनट देखिए गाइस, आपको जो है अंदर आपको दिख रही है ना, ये देखिए यहाँ पे दो आपको केबल दिख रही होंगी, दो जो ऑप्शन है आपके खाली हैं, ठीक है। HDMI, यहाँ से भी आप अपना फ़ोन कनेक्ट करके इंटरनेट चला सकते हैं, है ना। बाकी आपकी ये है BGI केबल वगैरह लगी हुई है, वो जो केबल आपको जो ऊपर की साइड दो खाली दिख रहे हैं जैसे डाटा केबल की तरह, सेम इससे ही आप फोन कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाइए और देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ये स्पीकर है, ठीक है। और इसके पास में ये जो लाइट है, इसके जस्ट पीछे की साइड भी इसमें बहुत फंक्शन दिए हुए हैं, है ना, आपके डाटा केबल वगैरह कनेक्ट करने के। और इन्हीं ऊपर की जो साइड आपको दो दिख रही है, डाटा केबल लगा सकते हैं आप इसमें, ठीक है। आप अपना मॉडम लगा के, जो मॉडम होते हैं आप देखते हैं जिससे नेट चलता है, मॉडम लगा के भी आप इसमें फिर डायरेक्ट नेट यूज़ कर सकते हैं गाइस, ठीक है। मॉडम जरूर लगाना पड़ेगा। ये जो आपको दो ऊपर जैक दिख रहे हैं डाटा केबल जैसे, आप देखिए क्लियर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये दोनों में कोई से भी आप या डाटा केबल से अपने फ़ोन कनेक्ट कर लीजिए, इंटरनेट आप कनेक्ट करना चाहते हैं, या फिर मॉडम लगा के आप इसमें डायरेक्ट चला सकते हैं, अपने नेटफ्लिक्स वगैरह का इन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो और देखिए दूसरा भी ये होता है कनेक्ट करने का। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मेरा कास्ट ओपन नहीं हो रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही हैं, कैसे इसको सॉल्व करें। देखिए मेरा कास्ट मैं अपने फ़ोन से आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। अभी को कनेक्ट करने के लिए LED से आपको मेरा कास्ट जाना पड़ेगा ऐप, या आपके फ़ोन में है इनबिल्ट पहले से, तो अच्छी बात है, करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको नेटवर्क में फिर से जाना है, ठीक है। नेटवर्क में जाने के बाद आपको नेटवर्क पे क्लिक करना है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसको क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए वैसे तो बहुत सारे नेम आ रहे हैं अभी, ठीक है, इसको एग्जिट कर देते हैं। इसको ओपन करना पड़ेगा हमें, ठीक है, इसको ओपन कर दीजिए, स्मार्ट TV जो है इसको ओपन कर दिया हमने, ठीक है। अब ये फ़ोन में कनेक्ट होगा डायरेक्ट, की गाइस फ़ोन में डायरेक्ट कनेक्ट होने वाला है ये, और ये कैसे होगा मैं आपको देखिए दिखा पाऊँगा। अभी मेरे पास है ना, फ़ोन में कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए अब फ़ोन में यहाँ पे कास्ट का आपको दिख रहा होगा, है ना, ये लिखा हुआ है, देखिए कास्ट में यहाँ पे है ना, प्लीज़ टर्न ऑन वाईफाई बिफोर कनेक्टिंग, ठीक है। कनेक्टिंग से पहले आपको वाईफाई ऑन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक मिनट आप देखिए, देखिए वहाँ से मैंने अपने फ़ोन का वाईफाई ऑन किया, यहाँ पे मैंने पेयर किया डिवाइस। अब देखिए मेरे फ़ोन, देखिए OnePlus 9R यहाँ पे भी आ गया एंड्रॉयड को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। क्लिक कर देंगे इस पर, कनेक्टिंग हो रहा, और देखिए यहाँ पे भी OnePlus 9R आ गया पेयर, है ना, पेयर डिवाइस में आ गया। अब इस तरीके से आपका मेरा कास्ट का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा, और आप अपने फ़ोन को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं अपने LED TV में। अब जिस तरीके से मेरा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, अब एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ चला के कैसे हम LED स्क्रीन शेयर होगी, है ना। तो इस तरीके से हम जाएंगे अभी, अब एग्ज़िट करेंगे। एग्ज़िट करने के बाद देखिए जैसे आपको मेरे फ़ोन में दिख रहा होगा स्क्रीन कास्ट, ठीक है, स्क्रीन कास्ट पे हम जाके क्लिक करेंगे, और जैसे ही स्क्रीन कास्ट स्टार्ट होता है तो यहाँ पे आपकी डिवाइस सर्च होने लगती है। डिवाइस जब सर्च होगी तो आपके TV में जो वायरलेस आप देख रहे थे, वायर्ड वाला जो वाईफाई जैसे सिस्टम आ रहा था, वो ऑन रह के इसको कैच करेगा। अब चलिए वही फंक्शन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब आ जाइए TV पे बैक, तो देखिए जो मेरा कास्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से मैंने स्क्रीन कास्ट जैसे अभी ऑन किया था अपने फ़ोन में, अब हम मेरा कास्ट करते हैं, ठीक है। और जब हम मेरा कास्ट करेंगे तो देखिए क्या होता है, फ़ोन में भी आपके पेयरिंग डिवाइस मांग रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको मेरा कास्ट पे जाना है, ठीक है। मेरा कास्ट पे आप जाएंगे, मेरा कास्ट, इससे क्या होता है आपकी फ़ोन की स्क्रीन शेयर हो जाती है। देखिए मेरा कास्ट पे गए, अब आपका वेटिंग फॉर है ना कनेक्टिंग के लिए, अब यहाँ पे भी आपका कनेक्टिंग का स्टार्ट है, वहाँ पे भी कनेक्टिंग का स्टार्ट है। अभी ये पेयर करेगा डिवाइस को, सर्च करेगा, अब देखिए कौन से फ़ोन में पहले फ़ोन सर्च करता है या फिर LED सर्च करती है, ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। जो भी सर्च करता है आपको कनेक्ट करके रखना है फिर इसको, और
इनेबल यहाँ पे आपको फोन की एक सेटिंग में इनेबल भी करना होता है अपनी स्क्रीन को, ठीक है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा इसको वर्क करते हैं। फोन में भी आपके काम चल रहा है, फोन में भी सर्च कर रहा है और यहाँ पे भी सर्च कर रहा है। ये देखिए आप फोन में देख सकते हैं इजीली, फोन में भी सर्च हो रहा है, यहाँ पे भी सर्च हो रहा है। अब देखते हैं किसका नेटवर्क जल्दी पकड़ता है। अब आप यहाँ पे देखिए मिराकास्ट का ऑप्शन ऑन किया था हमने, फोन में भी मैंने मिराकास्ट का ऑप्शन ऑन किया था, ठीक है। अब देखिए फोन से कनेक्ट हो गया है ना, अब फोन की स्क्रीन शेयर हो गई, कितना इजी था। देखिए अब सिंपल मैं शुरू से आपको बता देता हूँ, आपको पहले अपने फोन में मिराकास्ट ऑप्शन ऑन करना है, फिर अपने फोन का वाईफाई ऑन करना है, टीवी में जाना है, मिराकास्ट का ऑप्शन ऑलरेडी दिया रहता है, टीवी में मिराकास्ट पे क्लिक करना है, वहाँ पे ऑलरेडी सर्चिंग डिवाइस चलता रहता है, कनेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए स्क्रीन शेयर हो रही है, पूरी फ़ोन की स्क्रीन आप देख सकते हैं। अब मैं कुछ भी चलाऊँगा स्क्रीन शेयर होगी, देखिए जैसा कि मेरे फ़ोन में देखिए इक्वली देख लीजिए, जैसा मेरे फ़ोन में स्क्रीन चल रहा है सेम टीवी में चलेगा, चल रहा है ना। तो इस तरीके से आप मिराकास्ट में जाके स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी स्मॉल वीडियो कि आपका फ़ोन का इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप अपने फ़ोन में इंटरनेट चला के रखिए, लेकिन आप अपने फ़ोन को ही टीवी से कनेक्ट कर लीजिए तो इजीली आप इंटरनेट का मज़ा ले पाएंगे। और डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया था कि सेटिंग में जाके आपको वायरलेस में ऑप्शन जाके वाईफाई पे क्लिक करना है और अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट खोलिए और आप इस तरीके से टीवी को डायरेक्ट फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा भी हो सकता है कि आप HDMI केबल को यूज़ करके अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, किसी दूसरे लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरी टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये तीन चार चीज़ें थी, एक बार फिर मैंने रिमाइंड कराया आपको, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी लेकिन इस बार नहीं आने वाली। अब एग्जिट हो गए हम, लेकिन मिराकास्ट का ऑप्शन वहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जहाँ रेड बटन रखा हुआ है ये मिराकास्ट है, बाकी नेटवर्क यूज़ करना है यहाँ से कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, आप सबको इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे टेक अनबॉक्सिंग रिव्यू से भरी वीडियो में।